व्हाट्सअप, आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में फाइनली मैं एक वन ब्रांड मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स एक्चुअली, जो अफोर्डेबल रेट में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, एंड देट इज़ नन अदर देन मार्स कॉस्मेटिक्स। सो रिसेंटली मैंने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी है। आई हैव दिस मच मेकअप, न्यू मेकअप, उनका न्यू लॉन्च है जिसमें मोस्टली है। मैंने अपनी स्किन को ना अच्छे से प्रेप कर लिया था मेकअप से पहले, तो मेरे लिप्स बहुत ही ड्राई फील कर रहे हैं, और मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट खरीदा है मार्स कॉस्मेटिक्स से। सो दिस इज देयर मार्स लिप बाम, पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है। लेट्स जस्ट अप्लाई दिस। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, सो इट डज चेंजेस द कलर। ये बहुत ही प्रिटी पिंक बन गया है, एज यू कैन सी थोड़ा सा डार्क पिंक शेड है, एंड इट स्मेल्स सो गुड। दिस रिटेल्स फॉर 199 रुपीज। ये ना बिल्कुल वैसा है जैसे बचपन में हम लिप बाम लगाते थे तो 10-10 रुपए में आते थे, कलर चेंज करते थे, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे वाइप ऑफ कर दूंगी कम्प्लीटली तो भी मेरे लिप्स पे कितना अच्छा सा प्यारा सा स्टेन छोड़ जा रहा है, एंड इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू द प्राइमर, आई हैव दिस मार्स पोर क्योर प्राइमर फॉर फेस। सो दिस इज द प्राइमर गाइज, बहुत ही लग्जरी सी पैकेजिंग है इसकी, एज यू कैन सी, और मैंने अभी खोला भी नहीं है। ओके सो दिस इज द प्राइमर, आई डोंट नो बट आई लाइक टू स्मेल माई प्रोडक्ट्स फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग इट ऑन माई फेस कि मैं क्या लगा रही हूँ। ओके सो दिस इज सिलिकन बेस्ड प्राइमर, अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर बहुत ओपन पोर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट और अपने टी जोन पे लगाऊंगी। सो दिस इज हाइड्रेटिंग प्राइमर, मैंने काफ़ी सारे सिलिकन प्राइमर ट्राई करे हैं लेकिन ये कुछ अलग ही है, मतलब एक काइंड ऑफ हाइड्रेशन सा प्रोवाइड करा, जैसे जेल मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। सो देखते हैं फेस को स्मूथ करता है या नहीं। मैंने इसे 199 रुपीज़ में खरीदा था, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, लाइक आपको 199 रुपीज़ में 30 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है। सो या थम्स अप, ग्रेट प्रोडक्ट काइंड ऑफ। इसने मेरी स्किन को ना मैटिफाई भी कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज फाउंडेशन। सो मार्स ने अपनी एक न्यू फाउंडेशन लॉन्च करी है, दिस इज द मार्स हाई कवरेज लिक्विड फाउंडेशन। पैकेजिंग काफ़ी बेसिक सी है लेकिन थोड़े से कलर्स इसके काफ़ी न्यूट्रल रखे हैं, जैसे कैप का कलर हो, और पंप की पैकेजिंग में आपको मिलता है, एंड इट कम्स इन ग्लास बॉटल। ये क्लेम करता है इट इज़ हाई कवरेज प्लस स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन स्किन टाइप। लेट्स सी कैसा कवरेज है इसका, वाकई में इंडियन स्किन टोन के लिए बनाया या नहीं। एंड आई एम इन द शेड 03, एंड बाय द वे मैंने इसे खरीदा था इन जस्ट 349 रुपीज़। ऑल्सो आई हैव परचेज दिस मार्स ब्रश पैलेट, मैंने इसके बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छी होती है, ये मैंने 899 रुपीज़ में परचेस किया है। तो चलो इसी से मेकअप ब्लेंड करेंगे। इसमें आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रशेस मिलते हैं, 3 फेस ब्रशेस मिलते हैं, 3 आई मेकअप के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन ब्रश को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा मेरे पास मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर भी है, दिस इज़ द मार्स ब्यूटी ब्लेंडर। ये काफ़ी सॉफ्ट है गाइस, एज यू कैन सी इसकी फोम काफ़ी गुड क्वालिटी की है, और मैंने इसे खरीदा था जस्ट 186 रुपीज़ में। गाइस बिफोर हेडिंग टू द फाउंडेशन मैं एक चीज़ भूल गई, एंड अच्छा हुआ मुझे वो याद आ गया, तो पहले मैं वो लगाऊंगी। मैंने मार्स का कलर करेक्शन पैलेट खरीदा था, मैंने बहुत रिव्यू सुने थे उसके बारे में, लिटरली सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था इस प्रोडक्ट ने, बिकॉज ऑफ इट्स MRP एंड क्वालिटी, एंड काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो ये है मार्स की कंसीलर एंड करेक्टर पैलेट। सो दिस इज द पैलेट, पैकेजिंग इज नाइस, ऐसे आपको इसे प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। इसमें कंसीलर के शेड्स हैं और इसमें करेक्टर के शेड्स हैं। सो आई एम थिंकिंग टू अप्लाई द ग्रीन करेक्टर जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है। ओ माय गॉड, लुक एट द पिगमेंटेशन, दिस इज वेरी पिगमेंटेड, मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया। दिस इज वेरी क्रीमी, तो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रहा है, और ये मैंने खरीदा था जस्ट 349 रुपीज़ में। गाइज जब भी आप कोई हैवी मेकअप करते हो शादी के लिए, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप कलर करेक्शन करो, इससे मेकअप में एक प्रोफेशनल टच आता है। नाउ अब हम ये ऑरेंज शेड लगाएंगे, दिस इज वेरी क्रीमी और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है इसका, यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरी फाउंडेशन इधर अभी टिकी हुई है। ओके ब्लेंड करेंगे डैप 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 डैप,
फिंगर से इजीली ब्लेंड हो जा रहा है। ओके गाइस, आई रियली रियली लाइक द कंसीलर पैलेट। अब मुझे पता चला लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे थे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके इतने अच्छे अच्छे रिव्यू दे रहे थे। इसकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और बिल्कुल मक्खन की तरह ब्लेंड हो गया मेरी स्किन में, यू कैन सी। और ये मक्खी मुझे तो बहुत परेशान कर रही है। सो थोड़ा सा टाइम देंगे इसे सेट होने का और उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। सो फाउंडेशन का ना टेक्सचर मुझे थिक लगा, लाइक क्रीमी आप बोल सकते हो। मुझे नहीं लग रहा है मेरे स्किन टोन के हिसाब से जाएगा, बट लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। इस फाउंडेशन को मैं डॉट डॉट करके लगाऊंगी अपने पूरे फेस पर। इसमें थोड़ी सी पाउडर जैसे स्मेल आ रही है। मैंने फाउंडेशन के 2 पंप लिए थे 2 से 3 पंप, तो अब इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते हैं। ओके, ये ब्रश काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत जब ये आया था जब तो मैंने इसे टच करके देखा था और काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था। आपकी स्किन पर ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा। कैन यू सी, ओ माई गॉड, कितने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है। ओके गाइस, सो दिस डेफिनेटली हैव अ गुड कवरेज, लाइक प्रॉपर हाई कवरेज आप बोल सकते हो इसमें है। गाइस, बिल्कुल भी फाउंडेशन पैची और केकी नहीं लग रहा है, जस्ट लुक एट द फिनिश। एंड मेरी सरप्राइजिंगली मेरी स्किन टोन से मैच कर गया है। ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है, ये वाइटिश कास्ट नहीं दे रहा है। आई एम रियली रियली ग्लैड। और ये आप देख सकते हो अभी भी करेक्टर का ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये कवर नहीं किया है, बट मैं कंसीलर से इसे कवर कर लूंगी। और ये बहुत ही एक ड्यूई सा फिनिश दे रहा है, एज यू कैन सी मैंने कुछ इल्यूमिनेटर भी नहीं लगाया तो भी मेरी फेस थोड़ा सा शाइन कर रहा है, लाइक ड्यूईनेस है इस फाउंडेशन में। डेफिनेटली मैं इसे अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में यूज करूंगी। गाइस, फाउंडेशन तो मुझे बहुत पसंद आया, अब लगाते हैं हम कंसीलर। सो दिस इज द मार्स वंडर कवर लिक्विड कंसीलर। मुझे इसकी पैकेजिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, यू कैन सी जैसे लिप बाम वाली पैकेजिंग नहीं होती थी वैसी है। आई थॉट इससे ना प्रोडक्ट वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। बाय द वे, दिस इज़ वेरी चीप, जस्ट 199 रुपीज़ में मिल रहा है, दिस इज़ सो अफोर्डेबल यू गाइस। नाउ चलो टेस्ट करते हैं। और इसमें मेरा शेड है, शेड वेट का तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है भैया, आई थिंक 02 शेड है मेरा। सो चलो लगाते हैं, ऐसे लगाना काफ़ी मेसी हो सकता है, बट ट्राई करते हैं कि हम सी कितना ज़्यादा निकल गया प्रोडक्ट। तो भगवान का नाम लेके मैंने प्रोडक्ट लगा रही हूँ, आई होप बहुत ज़्यादा ना निकले। मैं लिटरली इतना डर डर के कभी मेकअप नहीं लगाया। अगर मार्स कॉस्मेटिक से कोई देख रहा है तो प्लीज़ इसकी पैकेजिंग बदलो, दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट यूज़ करने के लिए, काफ़ी प्रोडक्ट वेस्ट भी हुआ है मेरा। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही ले लिया है भैया। ओके, सो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ही ब्राइटनिंग कंसीलर है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटिंग शेड है, यू कैन सी कवरेज भी सही है, बट ये थोड़ा सा वाइटिश लुक दे रहा है विच लुक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड। ओके, ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो गया है, दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज अमेजिंग। देख सकते हो प्रोडक्ट तो बहुत सोक कर रहा है लेकिन बिल्कुल भी केक नहीं बना रहा है बेस को मेरे। हाउ विल आई ब्लेंड दिस, खाजा खाजा ब्यूटी ब्लेंडर प्रोडक्ट खाजा। ओके गाइस, कंसीलर मुझे ओके लगा, इसका कवरेज मुझे डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रेस किया, दिस इज़ अ गुड हाईलाइटिंग शेड वाला कंसीलर। और बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है, 199 रुपीज़ में और क्या ही लोगे, बट थोड़ा सा वाइटिश बना रहा है। गाइस, कॉन्टोर के लिए मैं इसमें कॉन्टोर का ये वाला शेड लूंगी, सबसे ज़्यादा डार्कर शेड ये ही है इसमें से, और आई गेस मेरी स्किन टोन पे ये ही जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्रीमी। मुझे ना कॉन्टोर करना बहुत पसंद है, फेस को बहुत ही अच्छा सा लिफ्टेड लुक देता है, ऐसा लगता है कि यू नो यू कैन फेक प्लास्टिक सर्जरी। नाउ इसको मैं ये वाले ब्रश से ब्लेंड करूँगी, इसमें दे रखा है, इससे तो नहीं हो पाएगा। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ये सेम फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट आई लाइक टू यूज़ ब्रशेस। ओके, ब्लेंड सुपर सेमलेसली यू गाइस, तो ये काफ़ी नेचुरल सा लुक दे रहा है। ओके, सो ये एकदम घुल मिल गया मेरी स्किन में और एक बहुत नेचुरल लुक दे रहा है। आई विल नॉट रिकमेंड यू नो हैवी मेकअप पे लगा सकते हो, ऐसे नेचुरल फिनिश मेकअप के लिए दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली।
क्योंकि ब्लेंड होने के बाद इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर पाउडर कॉन्टोर से टॉप करोगे इसका तो डेफिनेटली बहुत प्यारा लगेगा। सो आई थिंक हमें अपने बेस को कॉम्पैक्ट से सेट कर देना चाहिए। मेरे पास दो कॉम्पैक्ट है मार्स से, ये है लूज पाउडर उनका, ये तो काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। एंड ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी काफ़ी अच्छा है बट इसका शेड थोड़ा सा लाइटर अकॉर्डिंग टू माय स्किन टोन। इसमें आपको दो कॉम्पैक्ट मिलेंगे, 1-2, और आपको पफ भी मिलेगा, 24 में नहीं है। मैं ये वाला डोम शेप ब्रश यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट को सेट करने के लिए। ये देखो थोड़ा सा पाउडरी है इसका कॉम्पैक्ट। ओके, ये वाला ब्रश बहुत अच्छा है। सबसे पहले कंसीलर को सेट कर लूँगी क्योंकि सबसे पहले ना अंडराइज क्रीज कर जाती है, अच्छे से मैटिफाई कर देते हैं आपके बेस को। काफ़ी फाइन कॉम्पैक्ट है इसका ये। गाइज मैंने ना एक ब्लश था एक्चुअली मार्स का, उसमें मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेड लेने की कोशिश करी थी। मैंने सोचा इससे कॉन्टोर करूँगी, बट मैं आपको दिखाती हूँ कैसा शेड है वो। उससे मैं कॉन्टोर करने की ना दूर दूर तक नहीं सोच सकती। सो दिस इज द शेड, ये एक बहुत ही प्रिटी ब्लश का शेड है, कॉन्टोर का नहीं है। मैं आपको इसका स्वाच देती हूँ, लुक एट दिस, काफ़ी पिगमेंटेड है यार। अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैंने बेस को सेट कर लिया है। गाइस बेस को सेट करने के बाद इट लुक्स सो गुड, मतलब कैमरे में तो अच्छा लग रहा है, रियल लाइफ में दिस लुक्स सो फ्लॉलेस। अब मैं आपको अपना फेवरेट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो है ब्लश। आई जस्ट लव ब्लशेज, आई ऑलवेज क्रेव फॉर लॉट ऑफ ब्लशेज इन मेकअप। मेरे लिए हमेशा ब्लशेस कम ही पड़ते हैं। ए गुड अमाउंट ऑफ ब्लश विल लेवल अप योर मेकअप, लाइक सच में अच्छा अमाउंट लगाना चाहिए। सो दिस इज द मार्स ब्लश ऑफ लव फेस ब्लशर, एंड इसमें मेरा शेड है बहुत ही प्यारा शेड है एक्चुअली 11, और ये रानी पिंक कलर है। मेरे पास ऐसा शेड नहीं था ब्लश का। आई विल स्वॉच इट फॉर यू गाइज फर्स्ट। ओ माई गॉड, ये थोड़े से प्लांट के कलर से मैच कर रहा है बट डार्कर शेड है, एकदम रानी पिंक कलर होता है ना वो वाला। पिगमेंटेशन बहुत कमाल की है, प्लस इसका टेक्सचर बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है। एंड दिस रिटेल्स फॉर, ये मैंने खरीदा था जस्ट 219 रुपीस में। वाओ, इतनी कमाल की क्वांटिटी मिल रही है आपको। ओके, सो मैं इसे डोम ब्रश पर ले रही हूँ, डैप डैप, कितना सुंदर लग रहा है ऐसे डैप करते हुए। लेट्स जस्ट अप्लाई। वो तो बहुत ज्यादा अप्लाई हो गया बहन, ब्लेंड करो। ओ माय गॉड, आई लव द फैक्ट कि मेरी फाउंडेशन और पाउडर को पुश अवे नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। वेरी प्रिटी कलर, मतलब ब्लेंड होने के बाद ऑल थोड़ा हल्का हो गया ना तो अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड गाइज, इतने सस्ते में जब इतना अच्छा मिल रहा है तो क्यों ही महंगा खरीदेगा कोई, आई मीन कोई पागल ही होगा। दिस लुक सो फ्लॉलेस एंड सो प्रिटी। बाय द वे दिस इज एन अनस्पॉन्सर्ड वीडियो, आप सोचो खाली पीली का मैं की तारीफ कर रही हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले हैं। जो ब्रांड्स मुझे जेन्युइनली दिल से पसंद आती हैं मैं उनकी तारीफ करूँगी ही, जो प्रोडक्ट पसंद आएंगे उनके करूँगी, ताकि आप लोगों को रिकमेंड कर सकूँ। ये ब्लश तो कमाल का है भाई, आप ले लो, कमाल कर दिया मार्स कॉस्मेटिक्स ने। ओके, ब्लेंड करते में थोड़ी सी टेक्निक्स और स्किल्स लगेंगी क्योंकि ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, बट बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ है एज यू कैन सी, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमीनेस में है, पाउडरी नहीं है। थोड़ा सा नोज पे भी लगा लूंगी। टन 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 टन। गाइस आई एम डन विद द ब्लेंडिंग, मेरे होल गाल के तो गुलाबी गुलाबी लग रहे हैं, बिल्कुल परी हूँ मैं, लग रही हूँ राजकुमारी। सो चलो बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, अब हम अपने बेस को सेट कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा प्लेस में रहे, ठीक है, अपनी जगह रहे, इधर उधर ना भागे। तो उसके लिए मैंने एक न्यू लॉन्च खरीदा है मार्स का, मोस्टली बहुत सारे न्यू लॉन्च है, जैसे फाउंडेशन न्यू लॉन्च था, एंड देन कंसीलर, और अब ये भी न्यू लॉन्च है इनका। दिस इज द मार्स वंडर मिनिमल फ्रेग्रेंस मेकअप फिक्सर स्प्रे, मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जस्ट लुक एट दिस ऑल ब्लैक कलर, और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी स्टर्डी है, शेक करेंगे। मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ, मैंने इसे 329 रुपीज़ में परचेज किया था। इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, देखते हैं
कितने क्लेम्स इसके सच्चे हैं। फर्स्ट मैंने इसके बारे में बहुत सुना था कि अच्छा है, मैं सोचा चलो लेके रिव्यू करते हैं। ओके, इट डज हैव फ्रेग्रेंस, आई एम नॉट डिनाइंग कि इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, मिनिमल फ्रेग्रेंस पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, बट मुझे तो अच्छी खासी फ्रेग्रेंस आ ही रही है। स्प्रे करते टाइम आ रही थी लेकिन अभी गायब सी हो गई है फ्रेग्रेंस। ओके, सो ये धीरे धीरे ना एक मैटिफाइंग फिनिश दे रहा है एंड दिस इज क्वाइट हाइड्रेटिंग, थोड़ा अच्छा हाइड्रेशन का एक लग रहा है फेस पर। दिस इज मैटिफाइंग, गुड, आई लव अ गुड मैटिफाइंग मेकअप फिक्सर एंड दिस इज डेफिनेटली अ गुड प्रोडक्ट। आई लव द फैक्ट कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक 329 रुपीज़ में, कमाल है। नाउ मूविंग ऑन टू द आई मेकअप, मैंने कोई भी आईब्रो पैलेट नहीं खरीदी थी, मैंने सोचा एक आई शेडो पैलेट ले लेते हैं, उसमें से 2-in-1 हो जाएगा, काम चला लेंगे। भाई हमें भी घर चलाना है, थोड़े देख के खर्चे करने पड़ते हैं, अंधाधुन शॉपिंग नहीं कर सकते। सो दिस इज द गाइज लिपस्टिक की बोलूँ आई शेडो पैलेट फ्रॉम मार्स। ये देखो कितने प्यारे शेड्स हैं, तो इसमें से ये वाला शेड है कॉल्ड मेहंदी, आई लाइक द नेम्स, इसके नेम्स बहुत अच्छे हैं, देखो मेहंदी, रोका, काजू कतली, सुरमा, बरात, विदाई, ढोल, डोली। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इंडियन ब्रांड हिंदी में नेम रखता है, प्राउड फील होता है भारतीय होने पर। पहले जब मेरे पास आईब्रो पैलेट नहीं थी कोई, तो मैं ना आई शेडो पैलेट से आईब्रो बनाती थी। गाइस जब भी मैं सोचती हूँ ना मैं पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, लाइक आई वॉन्ट टू गो बैक, और मैं अपने आप को लाइक शाबाशी देना चाहती हूँ कि तुम ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा करोगे, चिंता मत करो, घबराओ मत, जस्ट डोंट गिव अप गाइस, यू विल हैव एवरीथिंग वन डे, जो भी आप पाना चाहते हो, मार्क माई वर्ड्स, अगर कोशिश करते रहोगे तो डेफिनेटली उससे भी अच्छा मिलेगा। बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं ज़िंदगी में आपको। ओके, मैं इस पर रिव्यू देना था, मैं भूल ही गई, एंड आईब्रो अच्छे से बन गई है, यू कैन सी मैंने काफ़ी सीधी सादी सिंपल सी आईब्रोज बनाई हैं, इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है एक्चुअली, वाओ आई एम रियली लविंग माय आईब्रोज। मेकअप में भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए तभी आप सीखोगे, मैं भी ऐसी कोई पिरो नहीं थी, पहले प्रैक्टिस कर करके सीखा। नाउ मैं सोच रही हूँ क्या ही आई मेकअप क्रिएट करूँ, मुझे ये वाला शेड बहुत पसंद आ रहा है ढोल, और मुझे इसके साथ खेलना है, स्मोकी आई मेकअप की तरफ जाना चाहती हूँ। मैं ये वाला ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी पहले, दिस ब्राउन दूल्हा, ओह माय गॉड कैसे कैसे शेड्स के नाम है, मैं दूल्हा यूज़ करूँगी और अपनी आँखों में लगाऊंगी ताकि मेरा दूल्हा भी मेरी आँखों में फ्लैट हो जाए मुझे देखते ही। ओके, सो दिस इज वेरी गुड, ओ भाई क्या अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, कमाल हो तुम, ब्लेंडिंग ब्रश भी काफ़ी अच्छा है। आई एम डन विद द ट्रांजिशन शेड, अब मैं ये शेड लेने वाली हूँ मेहंदी, ये पूरी शादी वाली सीजन की फीलिंग दे रहा है, मरून और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, लेट्स टेक द रिस्क। गाइस मैंने इससे भी महंगे ब्रशेस ट्राई किए हैं पर इतना अच्छा ग्रिप मेरे को नहीं मिला किसी भी ब्रश में, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि यही ब्रश ऐसा है बट अंडर दिस प्राइस रेंज, देख रहे हो ब्लेंड कितने अच्छे से हो रही है आई शेडो, ये तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। गाइस मुझे ना अपने आउटर कॉर्नर को और थोड़ी सी डेप्थ देनी है, तो मैंने ये मेहंदी शेड लगाना ही पड़ेगा, दिस इज द शेड मेहंदी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं ना। मैं एक ही ब्रश से पूरा आई मेकअप कर लिया, देख रहे हो आप, थोड़े से शेड पाउडरी हैं उसके, अच्छा लग रहा है यार। हे गाइस अब मैं ये वाला शिमर लगाऊंगी, मैं ये स्विस ब्यूटी का फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें कंसीलर लगा हुआ है, कॉन्टोर लगा हुआ है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं अपने दूल्हे को स्क्रैच कर रही हूँ, मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे हैं इस पैलेट की वजह से, चलो इमेजिनेशन ही सही। गाइज ये शेड इतने अच्छे से नहीं जा रहा है, बट दिस लुक्स वेरी प्रिटी, फॉल आउट हो रहा है, शेड बहुत अच्छा है। ओके गाइज ये शेड कितना अच्छा लग रहा है, बट ये इस कलर के साथ अच्छे से जा नहीं रहा है, गैस काफ़ी
बोल्ड आई मेकअप हो गया, मुझे ये वाला शेड लगाना चाहिए था आई गेस दुल्हन, क्या ही दूल्हा दुल्हन में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं यार। जब भी आप ग्लिटर आई शेडो लगाओ ना तो इस तरीके से डैप डैप करके लगाओ, पिगमेंट अच्छा है आएगा और मैसी नहीं लगेगा। बट गाइस ऑफ कैमरा मैंने आई लैशेस लगा ली थी और अब आई मेकअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है आ रहा है। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। सो मैंने हाइलाइटर के लिए पैलेट खरीदा था, मेरे को ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, लेकिन मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू करने के लिए खरीदा है। सो दिस इज़ द मार्स हाइलाइटर एंड इसमें टोटल आपको 6 शेड्स मिलते हैं। सो दीज आर द हाइलाइटर्स। इसमें आपको शैम्पेन कलर मिलता है, रोज गोल्ड कलर मिलता है, थोड़ा सा ब्रॉन्जी कलर मिलता है, कॉपरिश कलर मिलता है एंड काइंड ऑफ गोल्ड की हिंट में कलर है और एक सिल्वर कलर है, मतलब सारे शेड्स हैं ऑलमोस्ट। सो आप अपने स्किन टाइप टोन के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू द प्राइजिंग। आई ग्रैब दिस ऑन जस्ट 229 रुपीज, 6 शेड ऑफ हाइलाइटर। मैं आपको इसके स्वाचेस दिखा देती हूँ। सो दीज आर द स्वाचेस, आई होप यू कैन सी। सो ये मेरे को हाइलाइटर कम आई शेडो जैसा ज़्यादा वाइब दे रहे हैं, लाइक टू बी वेरी जेन्युइन। तो मैंने दो शेड को मिक्स कर लिया और अब मैं अपने चिक एरिया पर लगाऊंगी, मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद। दिस इज अ नाइस पिगमेंटेशन डार्लिंग, काफ़ी सही है। ये ना चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें कोई। एक मैंने मार्स का हाइलाइटर खरीदा था जो बहुत ही चौंकी था, मुझे लग रहा था कि ऐसे ही होगा, लेकिन इट लुक्स रियली फाइन। थोड़ा सा नोज पर भी लगाऊंगी, बाय द वे ब्रश बहुत अच्छा है। और आईब्रो ब्रोन को हाईलाइट करूंगी, इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूंगी। ओके, सो मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया, मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है। अब आ जाती है लिपस्टिक की तरफ। सो क्योंकि मेरा न्यूड शेड है तो मैं एक अच्छा सा ब्राउन कलर लगाऊंगी। तो मेरे पास ना मार्स के लिप लाइनर्स हैं, आई विल शो यू, मुझे काफ़ी पसंद है, दे आर वेरी क्रीमी, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है। सो दिस आर द मार्स लिप लाइनर, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ये मेरे को ब्रांड ने पीआर में सेंड किया था। सो ये आपको एक पड़ता है 55 रुपीज़ समथिंग का। सो इसमें से मैं सबसे डार्क ब्राउन शेड लगाऊंगी, सो ये वाला शेड लगाऊंगी, एज ऑफ डिज़ायर ब्लड बाथ 03। ये अच्छा जाएगा, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्कैंडलेस ब्राउन 04। जस्ट लुक एट दिस। फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग टूडे दिस मार्स नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। सो दिस इज वॉट द लिपस्टिक लुक्स लाइक। मैंने इसे पहले भी लगाया हुआ है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, द शेड इज वेरी प्रिटी। ओके गाइस, सो दिस इज द लिप कलर, आई रियली लव द ब्राउन लिप्स और ये आई मेकअप के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, स्मोकी डिमोकी लुक। ओके, सो फटाफट से मैं थोड़ी बहुत एक्सेसरी पहन के आती हूँ और अपना हेयर को सेट करके आती हूँ। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। आई जस्ट लविंग माई बेस, लिप्स, आईज, ऑल द थिंग, आई मीन सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे थे, किसी ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया मुझे इतना, सारे ही मुझे पता है खुशी होती है कि जब मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स इतने अच्छे निकलते हैं, कोई भी पैसा वेस्ट नहीं हुआ। सो या दिस इज़ द लुक एंड आई लव्ड इट, बहुत ही अलग डिफरेंट सा ब्राउन स्मोकी लुक है। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का लुक, कितना रेट करना चाहोगे इसे। वैसे मैं हल्का फुल्का लुक ही सोच के चली थी करूँगी, लेकिन मैंने इतना हैवी मेकअप क्रिएट कर लिया। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप ऐसी वन ब्रांड ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो देन कमेंट में बताना आगे और मैं किस ब्रांड का लाऊं। टिल देन टेक केयर, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे ही कमेंट करो मुझे ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।